आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक मेडिकल बैनर कैसे बनाए, किसी हॉस्पिटल के लिए या किसी हेल्थ केयर ब्रांड के लिए बैनर कैसे बनाए, और उसमें कौन कौन से कलर आपको यूज करने हैं, और किस टाइप से बैनर बनाए कि मॉडर्न डिजाइन लगे, मतलब आजकल के डिजाइन लगे, ना कि काफी ओल्ड स्टाइल लगे, नया लगे तो मॉडर्न लगना चाहिए। तो वही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस, आज के इस वीडियो में जो हम पिक्चर यूज करने वाले हैं, मैं ये पिक्चर यूज करने वाला हूँ जिसके ऊपर सारा का सारा एक्सपेरिमेंट करेंगे और बैनर बनाएंगे। ये पिक्चर है और ये आपका एक सिंपल सा कंटेंट है जिसमें एक हेडिंग है, एक सब हेड है और बाकी सारी डिटेल्स हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इस पिक्चर को फोटोशॉप में लेके चलता हूँ। राइट क्लिक किया, सिंपली ओपन विथ फोटोशॉप, और यहाँ पे ये फोटोशॉप में आपका ओपन हो गया। ठीक है, अब मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ सोशल मीडिया के साइज का 1080x1080 में, और सिंपली सा इस इमेज को यहाँ पे मूव करने वाला हूँ। ठीक है, सिंपली हमने इस इमेज को यहाँ पे मूव कर दिया। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था एक शेप बनाना है ना, आप किस तरीके से आप कस्टम शेप बना सकते हो, मॉडर्न शेप बना सकते हो, वही टेक्निक मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, सिंपल सा वही टेक्निक। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा शेप, मैं यहाँ पे एक शेप क्रिएट करता हूँ, इतना बड़ा मैंने यहाँ पे एक शेप लिया, और इसको मैं एक तरफ से, मैं इसको नीचे वाली तरफ से मैं इसको कम कर रहा हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पे इसको यहाँ से इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे कम कर दिया, और मैं इसको यहाँ पे चिपका रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको साइड में यहाँ पे चिपका रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इस इमेज को विजिबल कर रहा हूँ, और इसके अंदर सिंपली मैंने इसको क्लिपिंग मास्क कर दिया, तो ये इमेज आपकी इसके अंदर आ गई। ठीक है, तो ये एक आपको यहाँ पे एक डिजाइन जैसा बनता हुआ दिख रहा है, वही सेम टेक्निक हम यूज कर रहे हैं, और कोई टेक्निक यूज नहीं कर रहे हैं, हम सेम टेक्निक यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको एक डिजाइन जैसा एलिमेंट बना दिया है। ठीक है, अब मैं इसमें कलर यूज करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं इसी बैकग्राउंड को एक बार और कॉपी करूंगा। सिंपल आप देखो कितनी डिटेल है और कितनी छोटी से छोटी डिटेल, जैसे मैंने बताया सिंपल डिटेल आपको इमेज को प्रो लुक दे सकती है, बैनर को प्रो लुक दे सकती है। यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर किया, ठीक है, इसको मैंने फिर से यहाँ पे क्लिपिंग मास्क किया क्योंकि डुप्लीकेट करने पे हट जाता है, और मैं इसको सबसे टॉप पे लेके गया, ऊपर इसके ऊपर लेके चला गया। ठीक है, अब ये यहाँ पे ढक गया, आप जैसा आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे इसको ग्रेडियंट कलर यूज करने वाला हूँ। आपको बताया था आजकल मॉडर्न डिजाइन का ट्रेंड चल रहा है, ग्रेडियंट का ट्रेंड चल रहा है, तो हम यहाँ पे भी ग्रेडियंट यूज करेंगे। जो हमने सेकेंड यहाँ पे शेप बनाई है उसको मैं यहाँ पे ग्रेडियंट में कन्वर्ट करूंगा। राइट क्लिक, एफएक्स पे राइट क्लिक, ग्रेडियंट ओवरले, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने दो कलर ऑलरेडी चूज किया है, एक आपका ये ब्लू टाइप का है और दूसरा आपका येलो है, और मैं यहाँ पे इसको इस टाइप से मैं यहाँ पे कुछ कलर डिजाइन कर रहा हूँ, ये आपका इस टाइप से कुछ कलर है। ठीक है, पिक्चर है लेकिन पिक्चर इसके ठीक नीचे है, तो हम सिंपली इस पर एक मास्किंग यूज करेंगे। यहाँ पे गए, सिंपली एक मास्किंग का मास्क का बटन दबा दिया, ब्रश लिया और ब्रश का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया और इमेज पे चला दिया, सिंपली इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, हमको यहाँ पर डिलीट करना है, तो कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पे देख सकते हो, कुछ इस टाइप का इफेक्ट बनता हुआ अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब बैकग्राउंड पे जाएंगे डबल क्लिक करके और उसको अनलॉक कर लेंगे, और राइट क्लिक करके इसमें भी ग्रेडियंट ओवरले यहाँ पे भी यूज करेंगे। ठीक है, तो ये भी कुछ इस टाइप से दिख रहा है, और थोड़ा सा हम यहाँ पे येलो यहाँ पे कम रखेंगे कि थोड़ा देखने में ठीक लगे, तो आप देख सकते हो इस टाइप का कुछ बन रहा है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अब आपका ये हेल्थ वाला फील आपको आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब इस शेप को मैं दोबारा से इसको कॉपी करूंगा, डुप्लीकेट किया, और जैसे कॉपी करोगे ये हट जाएगा, तो इसलिए मैं इसको दोबारा से क्लिपिंग मास्क करूंगा, और नीचे वाला जो शेप है उसका कलर मैं फिलहाल व्हाइट कर देता हूँ, और इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, ये इस टाइप से कुछ देखा, थोड़ा सा इसको टिल्ट भी कर देता हूँ, ये डिजाइन जैसा एक डिजाइन जैसा आपको दिख रहा है। बहुत सिंपल सिंपल टेक्निक यूज कर रहे हैं, सिर्फ 3 या 4 लेयर क्रिएट किया और ये बैनर वाला लुक आपको हल्का हल्का देना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, सारे लेयर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मैं खिसका देता हूँ हल्का सा, और थोड़ा सा छोटा भी कर देता हूँ, आई थिंक मैंने ज्यादा जगह ले लिया है तो मैं इसको छोटा कर दिया। तो गाइस, अब आता है हमारा कंटेंट लिखने की बारी, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग कॉपी किया, और हेडिंग कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। सिंपली ये ओपन सेंस फॉन्ट ले रहा है तो हमें कैप्स लॉक नहीं चाहिए, तो मैंने कैप्स लॉक ऑफ किया, और मैंने इसका व्हाइट कर दिया कलर, और इसका साइज थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। आई थिंक ये फॉन्ट मुझे सही लग रहा है, मुझे फॉन्ट यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है, मुझे फॉन्ट सही लग रहा है।
ठीक है, मुझे इतना तक सही लग रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इसी का एक कॉपी करूंगा यहाँ पे सब हेड यूज करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे कॉपी में गए और यहाँ पे सब हेड का कंटेंट यहाँ पे चूज किया, और उसके लिए मैं सबसे पहले एक टेक्स्ट बॉक्स पे जाऊंगा और टेक्स्ट बॉक्स से एक बॉक्स ड्रॉ करूंगा, उसके अंदर मैं लिखूंगा तो ऑलरेडी फॉर्मेटिंग होके आएगा। अब मैं यहाँ पे जो इसका फॉन्ट स्टाइल है, मैं यहाँ पे रेगुलर ले रहा हूँ और इसका इस तरह की इसको अलाइनमेंट कर रहा हूँ, और मैंने इसको यहाँ पे इसको फिट कर दिया। ठीक है, इसका फॉन्ट साइज भी थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ कि देखने में थोड़ा ठीक लगे। ठीक है, तो अभी थोड़ा थोड़ा आपको ठीक दिख रहा होगा। तो गाइस अभी भी इसमें बहुत सारे इफेक्ट डालना बाकी है, वो हम धीरे धीरे डालेंगे। तो गाइस हमने यहाँ पे 50% डिजाइन कंप्लीट कर लिया सिर्फ 3 या 4 इफेक्ट डाल के। आप देख सकते हो सेम आइडिया, हमने बस एक बटन का स्टाइल सीखा है नया और उसी को हम अप्लाई कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने एक बैनर बनाया था सेम स्टाइल करके, अब इसका एक हेल्थ बैनर भी बना रहा हूँ सेम चीजें यूज करके। तो हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख लिया, अब मैं यहाँ पे एक बटन बना देता हूँ। सिंपली शेप टूल पे गया और मैं यहाँ पे एक शेप ड्रॉ किया, और इसको मैं यहाँ पे ये लॉक अनलॉक किया था, इसको लॉक लगा दूंगा और इसको इस टाइप से एक राउंड शेप में एक टैबलेट जैसा एक बटन बना लूंगा। ठीक है, अब इसका कलर व्हाइट कर दिया और इसको मैं सिंपली इसके नीचे यहाँ पे ले आऊंगा। ठीक है, ये टैबलेट जैसा बटन थोड़ा सही लगता है, एक हेल्थ वाला भी आई थिंक फील कहीं ना कहीं से दे देगा, थोड़ा ठीक लगता है। तो अब मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे सिंपली बाय नाउ का ऑप्शन कर रहा हूँ, बुक नाउ का यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ बुक नाउ का, और इसका कलर ब्लैक कर दिया फिलहाल। और मैंने यहाँ पे इसको छोटा सा इसको फिट कर दिया, तो ये फाइनली कुछ इस टाइप का अब आपको ये दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है। हमने टेक्स्ट का पार्ट जो है वो ऑलमोस्ट समझो कंप्लीट कर लिया है, बस एक हैशटैग और लोगो लगाना है, उसका भी हम देखेंगे कि हम कहाँ इसको लगाएंगे। गाइस हमने इतना कर लिया, अभी भी ये डिज़ाइन आपको खाली खाली सा दिख रहा होगा, है ना, बहुत ही खाली लग रहा है। तो उसके बाद उसको ठीक करने के लिए हम सिंपली इस फर्स्ट लेयर को, जो हमारा ये वाला लेयर था, उसको एक बार और यहाँ पे कॉपी करेंगे। ठीक है, और इसका जो है, इसका जो ग्रेडियंट है उसको मैं बंद कर दूंगा। मास्किंग किया था, मास्किंग को भी यहाँ पे डिलीट कर दूंगा, तो ये फिर से ये ब्लैक हो गया। अब मैं इसको कर दूंगा ब्लू। ठीक है, हमने इसको अब ब्लू कर दिया। अब ब्लू करके बाद इसका लेयर मोड थोड़ा चेंज करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पे लेयर मोड इस टाइप का कुछ यहाँ पे कर दिया। मान लो यहाँ पे मैं डार्कन स्क्रीन लेयर मोड में यहाँ पे मैं जा रहा हूँ और इसको फिर से दोबारा मास्क कर रहा हूँ। और इस बार मैं इसका डिलीट जो मैं करूंगा, इसको मैं कहीं कहीं से डिलीट करूंगा, थोड़ा यहाँ से थोड़ा हटा दिया, थोड़ा यहाँ से हटा दिया, इसके फेस से हटा दिया, थोड़ा यहाँ से हटा दिया, मतलब कहीं कहीं से इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और इसका अलाइनमेंट ठीक कर लूंगा जहाँ से ये हिल गया था थोड़ा सा। ठीक है, अब मैं इसकी साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा, तो ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है। आप देख सकते हो थोड़ा सा, अगर जहाँ लगे कि हाँ अलाइनमेंट ठीक नहीं है, तो आप एरो की से आप उसको ठीक कर सकते हो। तो ये कुछ इस टाइप से लग रहा है। अब सबसे टॉप पे जाके आप सिंपली यहाँ पे ऐड कर दो, राइट क्लिक, लेवल ऐड करना है यहाँ पे, राइट क्लिक लेवल, और हल्का सा इसका मैंने लेवल यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। ठीक है, हल्का सा मैंने यहाँ पे लेवल यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, वाइट भी टोन में बढ़ा दिया। अब यहाँ से जा सकते हो इमेज एडजस्टमेंट और लेवल, या फिर कंट्रोल एल कर से भी करके भी वो आ जाता है। ठीक है, तो ये अब कुछ इस टाइप से अब आपको दिख रहा होगा। अब मैं क्या करूंगा, उस इमेज को मैं दोबारा लेके आऊंगा। ठीक है, सेम इमेज को मैं दोबारा लेके आया और इसको सबसे नीचे ले जाऊंगा, बैकग्राउंड से ठीक ऊपर, और इसका साइज मैं पूरा यहाँ पे इंक्रीज कर दूंगा। सिर्फ और सिर्फ ये बच्ची है, उसका यहाँ पे फेस दिखना चाहिए। अब मैं इसकी ओपेसिटी डाउन कर दूंगा। ठीक है, ये देखो कितना सही इफेक्ट बन गया, है ना, बहुत खाली खाली सा दिख रहा था पहले, लेकिन इसको हटाओगे खाली लगेगा। ऐड कर दिया, फील पूरा फील भी लग रहा है और काफी अच्छा भी लग रहा है। आई थिंक अब आपको काफी प्रो लुक दे रहा होगा। अब नीचे वाला टेक्स्ट पढ़ने में नहीं आ रहा, तो आप उसको ब्लैक कलर में भी कर सकते हो, ब्लैक भी अच्छा लगेगा। तो सिंपली मैंने यहाँ पे ब्लैक कर दिया और ब्लैक आई थिंक अब पढ़ने में आ रहा है। अब इस व्हाइट के साथ भी आप थोड़ा थोड़ा, मतलब आप फिक्स मत रहो किसी चीज, आप प्ले करके देखो कौन सा अच्छा लग रहा है। आप ब्लू करके देखो, रेड करके देखो, ग्रीन करके देखो, लेकिन ऑफकोर्स हेल्थ के कलर लेना, वही आपको उठाना है जो आपके कलर सही लगे। तो मैं यहाँ पे ब्लू करके भी देखा था तो भी सही लग रहा था, और यहाँ पे येलो वाला टोन भी आई थिंक सही लगेगा। मैं यहाँ पे येलो टोन ले रहा हूँ, वो ये भी टोन हमें यहाँ पे सही लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लास्ट चीज़ यूज़ करने वाला हूँ, और ये ऐसा इफेक्ट है आप किसी भी बैनर पर लगा दो, बैनर अपने आप अच्छा लगेगा। फ्रेम यूज़ करने वाला हूँ।
ठीक है, सबसे टॉप पे गए, शेपटूल पे गए और वहां पे आपको शिफ्ट वाला जो बटन है उसको होल्ड करना है और यहाँ पे एक राइट एंगल शेप ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये इतना आ गया। अब इसको बैकग्राउंड पे जाके अब इसको चारों तरफ से बराबर तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, मैं इसको ऐसे करता हूँ। अब मैं यहाँ पे दोबारा शेप टूल पे जाऊँगा, इसका फिल वाला जो कलर है उसको मैं जीरो कर दूंगा, बंद कर दूंगा और उसका आउटलाइन व्हाइट कलर का ले लूंगा। तो ये कुछ इस टाइप से अब आपको दिख रहा है, 1.22 के आसपास उसको ले रहा हूँ और ये कुछ अब इस टाइप से अभी दिख रहा है। ठीक है, तो ये बढ़िया सा फ्रेम वाला लुक अब आपको ये दिख गया होगा। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट टूल पे जाऊँगा और एक सेलेक्ट यहाँ पे इतना दूर करूँगा लोगों के लिए और दूसरा सेलेक्ट आप यहाँ पे दो सेकंड वाले पे क्लिक कर देना और दूसरा सेलेक्ट मैं यहाँ पे इस जगह करूँगा हैशटैग लिखने के लिए। उसके बाद सिंपली सेलेक्ट यहाँ पे इनवर्स और मास्क, आप देख सकते हो यहाँ से भी ये फ्रेम हट गया, यहाँ से भी ये फ्रेम हट गया। ठीक है, यहाँ से हट गया, वहाँ से हट गया। अब मुझे यहाँ पे लोगो यूज़ करना है तो मैं अपना ही लोगो फिलहाल यूज़ कर लेता हूँ। राजीव मेहता डॉट इन पे गए, यहाँ पे गया, लोगो यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको लोगो को पेस्ट कर दिया, थोड़ा छोटा कर दिया और पेस्ट कर दिया। आप अपना लोगो डाल सकते हो, कंपनी का लोगो डाल सकते हो। और यहाँ पे आपको देना है कि आपको चिपकाना नहीं है, जैसे यहाँ तक है, जैसे यहाँ है तो चिपकाना नहीं है, थोड़ा सा गैप रखो तो ये काफ़ी कूल लगता है देखने में। अब लोगो कलर मैंने व्हाइट कर लिया, सिंपली व्हाइट कर देता हूँ तो ज़्यादा सही लगेगा देखने में। और नीचे मैं फाइनली यहाँ पे एक हैशटैग हमने यहाँ पे एक डाल दिया, ये मैंने यहाँ पे हैशटैग डाल दिया, ब्रिंगिंग लव यहाँ पे लिख दिया हैशटैग। इसका भी कलर मैंने कर दिया व्हाइट। ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा बोल्ड और इटैलिक भी कर दिया, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बोल्ड और इसको इटैलिक भी कर दिया तो ये देखने में काफ़ी कूल लग रहा है। तो ये आपने देखा सिंपल सी टेक्निक से ये हमने एक बैनर डिज़ाइन कर लिया है। ये बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही अमेजिंग है, आप हर एक डिटेल यहाँ पे परफेक्ट है। अच्छी डिज़ाइन वही होता है जो देखने में आपको बहुत ही सिंपल लगे, जैसे बहुत तरक भरक चीज़ों को कभी अच्छा नहीं होता, सिंपल डिज़ाइन लेकिन काफ़ी कैची, वही अच्छा डिज़ाइन होता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सिंपल टेक्निक हमने यूज़ किया है, ये मॉडर्न भी लग रहा है, ट्रेंडी भी लग रहा है और डिज़ाइन वाइज भी काफ़ी कूल लग रहा है, सब कुछ यहाँ पे सही है। ठीक है, अगर आपको मेरा फॉन्ट पैक पूरा का पूरा डाउनलोड करना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और इस वीडियो को बनाने में, इस बैनर को बनाने में जितने भी पिक्चर फॉन्ट जो भी चीज़ यहाँ पे यूज हुआ है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ तक इसका PSD फाइल भी इसी वीडियो से आप उठा सकते हो। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आप इस वीडियो को देखकर कोई बैनर या पोस्टर बनाते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करो और फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।